नमस्कार दोस्तों, मैं विनायक बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका आज की इस नई वीडियो में। जेट एयरवेज की तरफ से महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं कि स्टार्टिंग में किन रूट पर फ्लाइट चलेंगी और कैसा क्या सिनारियो रहेगा फ्लाइटों का। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। प्रमोटर्स की तरफ से और जो नए ओनर्स की तरफ से जानकारी निकल कर आ रही है वो इस वीडियो में हम देने वाले हैं। उसके पहले अगर आप इस चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो ताकि आने वाली कोई भी एविएशन से रिलेटेड अपडेट आप हमारे चैनल से मिस ना कर सको। आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, प्राप्त जानकारी के अनुसार यहाँ पर जेट एयरवेज पहले अपनी जो इंटरनेशनल फ्लाइटें हैं उनको भी शुरू करने वाला है। और यहाँ पर जो प्लान है वो इस प्रकार से है कि पहले रीजनल सिटीज से इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस को कनेक्ट किया जाएगा स्टार्टिंग में। आपको बता दें, एयरलाइन जब स्टार्ट होगी तो यहाँ पर 5-6 इंटरनेशनल रूट्स को इनिशियल तौर पर कवर करेगी, जिनमें से कि जो खुलासे हुए हैं सिटी मतलब देशों के नाम के, वो है दुबई के लिए फ्लाइटें जाएंगी, थाईलैंड और सिंगापुर। इन तीन जगहों का नाम जो स्टार्टिंग में सामने निकल कर आया है। साथ ही आपको बता दें, प्लान ये था कि अप्रैल 2021 में एयरलाइन रिवाइवल हो जाएगा, एयरलाइन का रिवाइवल हो जाएगा, पर यहाँ पर एनसीएलटी और स्लॉट्स की प्रॉब्लम्स की वजह से ये प्लान डिले हो गया है, थोड़ा सा ही डिले हुआ है। साथ ही आपको बता दें कि जेट के बैंकर्स अब एनसीएलटी के फाइनल अप्रूवल का वेट कर रहे हैं, जो कि अभी आने ही वाला है। उसमें भी अब ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है क्योंकि 2 तारीख को ही डीजीसीए को डेट दी गई थी स्लॉट्स को क्लियरेंस देने के लिए। तो अब यहाँ पर जो सारी चीज़ें हैं वो सॉर्ट आउट हो चुकी हैं। अब कभी भी नेक्स्ट जो अपडेट है वो निकल कर आ सकती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो सकती है। तो ये सारा कुछ सिनारियो है जेट एयरवेज का अभी का। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके बताइए। अगर आपका कोई भी सवाल, सुझाव या सजेशन है तो आप हमें बेशक कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं इंडियन गुरु, में हूँ आपका दोस्त नायक। मिलता हूँ नेक्स्ट वाली जानकारी के साथ। टिल देन जय हिंद, वंदे मातरम।